शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक और मजेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले फ्रॉम ईच ऑफ अ सॉलिड मेटल सिलेंडर, एक सिलेंडर है मेटल का जो भरा हुआ है मतलब सॉलिड है, मेटल वाज स्कूप्ड आउट, उसमें से काट लिए आउट इन द हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ सेमी डायमीटर, सेम डायमीटर के दो हेमिस्फेरिकल, ठीक है, कहां से, दोनों एंड से, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये बना ली और ये इसमें से एक और ये दूसरा, ये दो हिस्से इसने काट लिए, ठीक है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 4.2 और रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। बोला द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड एंड कन्वर्ट इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर, और जो बच गया ना ये वाला, ये काट के निकालने के बाद बोला इसको पिंगला करके क्या बनाया, एक सिलेंड्रिकल वायर, एक वापस से एक सिलेंड्रिकल वायर बनाई, ठीक है, सपोज करो ये वायर है, ठीक है, वायर बनाई और इसकी वायर की क्या है 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस, यानी ये वाली 1.4, तो रेडियस कितनी आ गई 0.7 सेंटीमीटर, तो सारी यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है, देखो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो यानी हाइट, लेंथ इक्वल टू हाइट, हमें ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो सिलेंडर है इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मैंने बड़ा और बड़ी एच लिए क्योंकि ये बड़ा वाला है और इसको पिघला के छोटा बनाएंगे। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, आधा तो ये, आधा स्पेयर ये और आधा नीचे वाला, दोनों मिला के क्या हो गया पूरा बन गया ना, तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे आर हम बड़ी ले लेंगे, ठीक है ना, तो मैं वो इसमें से माइनस कर देता हूं 4/3 पाई सॉरी आर क्यूब, ये हो गया, तो ये बचा हुआ पार्ट है। और अब ये बचा हुआ जो पार्ट है इसको पिघला के जो बनाएंगे नई वायर वो इसका वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें छोटा और छोटी एच ले ली मैंने, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम इसको सोल्व करते हैं, पहले पाई कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया एच, एच बड़े वाले की एच कितनी है 10, माइनस 4/3 बच गया, पाई और आर स्क्वायर बाहर निकल गया और एक आर रह गया, एक आर कितना है 4.2, ठीक है, अब 4.2 लिख दिया हमने, और इधर क्या है हमारा पाई छोटा आर स्क्वायर और एच, तो पाई से तो हम पाई काट ही देते हैं, ठीक है। अब बड़ा आर कितना था इधर 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, और अब इसको सोल्व कर लो, तो इसको अंदर अंदर वाले को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना बनेगा 44 या 4.4, ठीक है, और इधर वाला आर स्क्वायर रह गया, आर स्क्वायर को इधर नीचे ले आते हैं, तो इधर का आर स्क्वायर कितना है 0.7 × 0.7, ठीक है, उधर रह गया एच, तो देखो पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है, तो 66 × 36 = 10 ये 6 × 36 = 44/10, ठीक है, 0.4, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, इनको काट दिया, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और एच निकाल देंगे, तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी हमारी, आएगी 1584 और डिवाइड बाय क्या है 10, तो कितना आ जाएगा 158.4, ठीक है, और सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमें अपने हार्ड क्वेश्चंस जो आपको समझ में नहीं आ रहे, अगर आपने हमारे पीछे के क्वेश्चंस देख लिए हैं तो आप अपना, अगर उनमें कोई आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं है तो आप हमें वापस से अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के साथ आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।